Okay, the next question is, assume that there is a rake, okay? So you have a wooden ball, a small wooden ball, okay? And इस छोटे से wooden ball की जो density है, that density is given to you as rho. So it is taken to a height, it is taken to a depth h. And इस depth से आप इसको छोड़ देते हो. So this is water, water की जो density है, it is given to you as sigma. ये water की density है. ओके ना ऑब्वियसली आप छोड़ दोगे तो ये ऊपर आएगा एंड यहां पे आके रुकेगा नहीं, यहां पे आने के बाद ये ऊपर जाएगा ना, एक हाइट तक जाएगा. आपने ये बहुत बार किया होगा, प्लास्टिक के बॉल को बकेट में डाल के, मतलब बकेट में डुबा के छोड़ दो तो ऊपर उड़ता है ना. तो अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि कितना ऊपर उड़ेगा. यू हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट एच. ओके ना यहाँ पे इट इज गिवन टू यू दैट देर इज नो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल. कोई भी तरह का विस्कस फोर्स नहीं है. वो होता तो ये सब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बट विस्कस फोर्स नहीं है तो इस बॉल पे दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एक तो बॉयंसी फोर्स दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द वॉटर दैट इज सिग्मा इंटू जी ऊपर के डायरेक्शन में, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एम इंटू जी ये नीचे के डायरेक्शन में. ना ये दोनों फोर्सेस कॉन्स्टेंट है ना, तो आप का नेटवर्क डन कितना होगा. सो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है. ओके तो ये पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, सो इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के ई माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. दिस इज इक्वल टू वर्क डन. ये बॉयंसी फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा. सो इट इज वी सिग्मा जी इंटू एच माइनस एम जी एच. ओके अब यही काइनेटिक एनर्जी इवेंचुअली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहां पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल गेट कन्वर्टेड इंटू पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एम जी एच. सो इस काइनेटिक एनर्जी के जगह पे आई कैन राइट एम जी एच. दिस इज इक्वल टू वी सिग्मा जी एच माइनस एम जी एच. अब इसको सॉल्व करता है तो जी तो वैसे ही हर जगह से कट हो जाएगा. ओके आप एम से सबको डिवाइड कर दो तो आपको एच क्या आएगा, वी इंटू सिग्मा इंटू एच. मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज रो माइनस एम बाय एम. ये कट हो जाएगा सो दिस विल बी वी वी. आपको एच आ जाएगा, एच सिग्मा बाय रो माइनस वन. इन्होंने आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, दे हैव गिवन टू यू दैट एच इज इक्वल टू एच इंटू सिग्मा बाय रो माइनस एन बाय टू. आपको पता है ना ये टर्म वन होनी चाहिए, सो देयरफॉर एन हैज टू बी इक्वल टू टू, एन शुड बी इक्वल टू टू. ठीक है ओके.